दोस्तों भारत में करीब 400 से भी ज्यादा जनजातियां रहती है जिनकी कई उपजातियां है। उन्हीं आदिवासी जनजातियों में गोंड जनजाति भी शामिल है। गोंड जनजाति का गौरवपूर्ण इतिहास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। आज हम इस वीडियो में गोंड जनजाति के बारे में ही जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिरकार गोंड किन लोगों को कहते हैं, गोंडों की उत्पत्ति कैसे हुई, गोंडों का इतिहास, गोंड आदिवासी भाषा संस्कृति, प्रमुख गोंड व्यक्ति एवं गोंड आदिवासी समस्याएं एवं मांगों के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गोंड आदिवासियों का परिचय। गोंड भारत का एक जाति समूह है। यह द्रविड़ मूल की जनजाति है। भारत में इन्हें एसटी वर्ग यानी शेड्यूल ट्राइब अथवा आदिवासी वर्ग में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गोंडों की संख्या करीब 13 मिलियन थी। गोंड लोग गोंडी भाषा बोलते हैं जिसे द्रविड़ परिवार की तेलुगु कन्नड़ एवं तमिल आदि से संबंधित माना गया है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल गुजरात तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है। आइए अब हम जानते हैं गोंड इतिहास के बारे में। गोंड आदिवासी अपनी उत्पत्ति भगवान शंभू यानी शिव से मानते हैं। भारत की जनजातियां मुंडा और भील एक ही नस्ल की मानी जाती हैं और गोंड भी उनमें शामिल है। गोंड आदिवासियों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वर्तमान मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर गोंडों ने सफलतापूर्वक शासन किया। वर्तमान छत्तीसगढ़ विंध्याचल बुंदेलखंड और बघेलखंड के अधिकांश क्षेत्रों पर 18वीं सदी तक गोंडों का शासन रहा। 12वीं से 18वीं सदी तक गोंडों ने सफल शासन किया था। गढ़ा मंडला में जदुराई नामक गोंड राजा ने गोंडवाना का शासन स्थापित किया था। गोंडों में सबसे प्रतापी गोंड शासक संग्राम शाह और दलपत शाह थे। संग्राम शाह एक प्रतापी शासक थे जिन्होंने 52 किले जीते थे। जब उन्होंने 52 किले जीत लिए तब नरसिंहपुर का चोरागढ़ किला उन्होंने बनवाया था। उनके पुत्र दलपत शाह थे। दलपत शाह और चंदेल राजवंश में जन्मी दुर्गावती दोनों को विवाह करना चाहते थे लेकिन चंदेल शासक इनके विरोध में थे। तब संग्राम शाह व दलपत शाह ने चंदेलों के विरुद्ध युद्ध किया और चंदेलों को हरा दिया। फिर आगे चलकर रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर व मालवा के बाज बहादुर से युद्ध किया। देवगढ़ में गोंड शासकों के बाद भील शासक हुए थे। लगभग 5 शताब्दियों के आधिपत्य में गोंड राजाओं के 4 प्रमुख केंद्र रहे जिनमें सिरपुर जुनोना बल्लालपुर एवं चांदा थे। सारांश यह देखने में आता है कि गोंडों ने मध्य प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ विदर्भ के बड़े क्षेत्रों में अपना शासन कायम कर रखा था। वर्तमान में भी गोंड शासकों द्वारा बनाई गई कई इमारतें महल मौजूद है जिनमें नरसिंहपुर का चोरागढ़ किला भोपाल में गोंड महल स्थित है वहीं मदन महल भी स्थित है। गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंची थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य जिसमें खेरला गढ़मंडला देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना की थी वहीं भोपाल शाह ने भोपाल नगर बसाया। संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह एक शाही राजा थे। वे बड़े सुंदर सुरवीर और विद्वान थे। कुछ गोंड शासक बेहतर संगठक थे। संग्राम शाह ने राज्य का विस्तार किया व्यवस्था सुदृढ़ की सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए ताल तलैया का निर्माण कराया सोने के सिक्के चलाए सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण कराया। गोंड शासक निजाम शाह ने भोपाल में अपना राज कायम किया था। समय समय पर गोंडों का सामना राजपूत मुगल और मराठा एवं अंग्रेजों से हुआ और गोंडों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
1642 में गोंड और भीलों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। जब ब्रिटिशों ने गोंडों को अपने कब्जे में लेने की ठानी, तब गोंडों ने ब्रिटिशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। गोंड वंश के राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 की प्रथम क्रांति में अपने जीवन का बलिदान देकर भारत एवं गोंडों का आत्मसम्मान बनाए रखा। राजा भभूत सिंह ने पंचमणि क्षेत्र में प्रमुख रूप से अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया। दरअसल गोंडों का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। यदि आप गोंड इतिहास पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम एक स्पेशल गोंड हिस्ट्री पर वीडियो बनाएंगे। गोंड संस्कृति। गोंड जनजाति के पास अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं। गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं। इस भाषा को कोइया भी कहा जाता है और गोंडों की संस्कृति को कोइतुरी संस्कृति कहा जाता है। कोइतुरे अथवा गोंड जैविक रूप से प्रकृति से जुड़े हैं। उनके सभी देव प्रकृति के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी देवताओं में से महानतम देवता बड़ा देव को माना जाता है। ठाकुर देव आकड़ी वृक्ष से जुड़े हुए हैं। गोंड लोग स्वयं को उत्सवों के दौरान किए जाने वाले विविध प्रकार के नृत्यों से अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि सुरला, रीना तथा दादरिया आदि। सहिला नृत्य पहले कभी तलवारों के साथ किया जाता था, पर समय के साथ वे छड़ियों के माध्यम से यह नृत्य करते हैं। दादरिया गीत दूल्हे के आगमन पर किया जाता है। कर्मा नृत्य वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, खासकर अतिथि आगमन पर पूरा परिवार कर्मा नृत्य करता है। गोंडों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। गोंड रचनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, जिनमें गुदना अथवा टेटू होता है। वर्तमान में ऐसे अनेक कलाकार हैं जो गोंड जीवन शैली की चित्रकारियों के माध्यम से इन परंपराओं में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। गोंड चित्रकारी की वर्तमान शैली को जगड़ कलाम कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रमुख गोंड व्यक्तियों के बारे में। प्रमुख गोंड व्यक्ति राजा संग्राम शाह। संग्राम शाह प्रमुख गोंड राजा थे, जिन्होंने 52 किले जीते थे एवं अपने राज्य में विकास कार्य किए थे। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक सफल शासिका थी, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किए थे। रानी दुर्गावती दलपत शाह की पत्नी थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों का विरोध किया। मराठा और भोसलों राजघरानों ने मिलकर गोंड राजवंश को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। गोंड साम्राज्य के प्रतापी महाराजा शंकर शाह ने उस दौरान घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों ने इन तीनों राजघरानों को आपस में लड़ाया, लेकिन गोंडों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह किया। जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण राजा शंकर शाह द्वारा किया गया था। कोमाराम भीम। कोमाराम भीम तेलंगाना के प्रमुख क्रांतिकारी थे। बाबूराव शेडमेक। मध्य भारत के रहने वाले बाबूराव शेडमेक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने चंदा जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया था। गोंड आदिवासी रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, बाणासुर आदि को गोंड ही मानते हैं। गोंड अन्य आदिवासियों की मानता है कि जिन हिंदू ग्रंथों में जिन्हें राक्षस कहकर संबोधित किया गया है, दरअसल वे इस देश के मूल निवासी ही थे, जिन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। समस्याएं और मांगे। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदिवासियों की प्रमुख समस्या यह है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली आदि उपलब्ध ना के बराबर है। अधिकतर आदिवासी पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां मीडिया भी ना के बराबर जाता है। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। विकास के नाम पर अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को समतल किया जा रहा है। बांध निर्माण के कारण लाखों आदिवासियों को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है। गोंड आदिवासियों की मांग है कि उनका एक अलग गोंडवाना नामक राज्य बने। आदिवासी चाहते हैं कि उनका खुद का एक अलग गोंडवाना राज्य हो, जहां सरकार आदिवासियों की ही बने। साथ ही साथ गोंड आदिवासी समय समय पर अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा हेतु कदम उठाते हैं। आदिवासी चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा सुरक्षित बची रहे।
आदिवासियों को शिक्षित करने हेतु दुर्गम इलाकों में स्कूल खोले जाए व आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए एवं किसानों का कर्ज माफ किया जाए व किसानों की उन्नति हेतु सरकार कार्य करे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।